सारे सूबे सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज थे, और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे और गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर थे। बड़ी देर से हम आपस में डिस्कशंस कर रहे थे। हमारी एनसीओसी जो कि हर रोज़ सुबह मिलती है, वो सबसे हर कदम के ऊपर राय लेती है, वो डॉक्टर्स मेडिकल ओपिनियन सारी दुनिया से जो हमारे डॉक्टर्स जायज़ा ले रहे हैं इसका, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर फैसल, सुबह के अंदर जो डॉक्टर्स सूबाई गवर्नमेंट को एडवाइज़ कर रहे हैं, उन सब से डिस्कस करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद आज जो बड़ी बड़ी जो जिस नतीजे पे आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि पहले दिन का मतलब कि जैसे ही हमें पता चला कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई है, और अभी हमारे पास 26 केसेस आए थे, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, हमने तब लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर लगाया, और वो स्टेज थी कि अभी किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या होगा, क्या केसेस होंगे, क्या आगे हालात हैं। 26 केसेस के ऊपर जब हमने लॉकडाउन किया तो वहाँ अपने लोगों से सबसे हमने राय ली, अपने डॉक्टर से, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो वहान प्रोविंस जो शहर जो चाइना में था, उधर क्या हो रहा था, और उसके बाद जब यूरोप में ये जब फैलने शुरू हुई वायरस, तो उधर से भी हम पूरी देख रहे थे कि दुनिया में किस तरह दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये जब वायरस फैल रही है तो दुनिया का क्या इसके ऊपर रवैया। तो तब मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं, जब हमने मीटिंग की और हमने आपस में डिस्कशंस की, मेरे जहन में मैं बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मुझे तब भी जब लॉकडाउन शुरू हुए, जो सबसे पहले तो हमने चाइना में देखा बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया उन्होंने पूरा शहर, लेकिन जब यूरोप में भी शुरू हुए तो मैंने जब पहली भी आपके सामने आया मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। और उसके बाद जो हमने जब कैलकुलेशंस की तो 2.5 करोड़ पाकिस्तान में वो डेली वेजर्स और ये जो जिनको हर हफ्ते तनख्वाह मिलती थी, वो ऐसे लोग थे जो अगर कमाते नहीं थे तो उनके घर भूखे जाते थे, वो अपने घर वालों को खाना नहीं दे सकते थे। तो 2.5 करोड़ का मतलब जब आप इसको एक घराने के ऊपर लेके जाते हैं, कमाने वाला जब अपने घर जो अपने ख़ानदान की को उनका देखभाल करता है, तो वो तकरीबन 12 करोड़ से 15 करोड़ लोग थे। तो जब मैंने पहले दिन से मेरे जहन में था कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊंगा उस तरह का जिस तरह का लॉकडाउन वुहान सूबे में शहर में लगाया गया और जिस तरह यूरोप में थे, तो इन लोगों का क्या बनेगा। और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, यानी इनके पास ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये वो वर्कर्स हैं जिस तरह जो तकरीबन 20% हमारे लेबर है जो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं था। तो लिहाजा हमने तब से मेरे में ये सोच थी कि हाँ लॉकडाउन क्यों लगाना है। लॉकडाउन का मतलब कि इतनी तेज़ी से ये फैलती है ये वायरस कि जब आप लोगों को बंद कर देते हैं और लोग मिक्स नहीं करते तो जो वायरस है वो उसका फैलाव कम हो जाता है, वो स्लो हो जाती है। ये समझने वाली बात है,
लॉकडाउन एक वायरस का ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस जो तेज़ी से जब लोग जमा होते हैं फैलती है, तो जब आप लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसका फैलाव आहिस्ता हो जाता है। और पहले दिन से हमें यह था कि हमने इसको इस तरह आहिस्ता करना है कि हमारे जो डॉक्टर्स और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। आपने देखा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इटली में एकदम बोझ पड़ा अस्पतालों में और कितना प्रेशर पड़ा उनके डॉक्टर्स और नर्सेज पे। तो हमने लॉकडाउन का मकसद क्या था कि इसका फैलाव कम हो ताकि हॉस्पिटल्स पे लोड ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना था कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो ये दिहाड़ीदार, ये जो गरीब तबका, इसका क्या बनेगा। देखें, लॉकडाउन एक डिफेंस में घर, मेरे घर में इमरान खान रह रहा है बनीगाला में, कोई E7 में रह रहा है, कोई यानी आराम से रह, उनके लिए लॉकडाउन की का मुख्तलिफ असरात हैं, वो और तरह देखते हैं लॉकडाउन को। और एक मुल्क में जो कच्ची आबादियाँ हैं, मसलन कराची में 30-35% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर होना था। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें थी, एक तरफ हमारे पास पैसे वाले लोग थे, उनका आपने देखा रवैया ही मुख्तलिफ था लॉकडाउन को, वो सारे शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन करो, देखो यूरोप में भी लॉकडाउन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमारा गरीब तबका और जो इन महलों में रहता था, जो 6-6, 7-7, 10-10 लोग एक कमरे में फैमिलीज रहती थी, जो कि छाबड़ी वाला जो जिससे कमाई करके घर बच्चों का पेट पालना है, जो टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार, ये सारे लोगों का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया। तो दो, अब मैं एक प्राइम मिनिस्टर दो तरफ देख रहा था, एक तरफ वायरस को रोकना है, दूसरी तरफ ये लोगों को जो भूख और अफलास और जो हालात थे इन घरों में उसको उनको भी देखना है। अगर मैं जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था, हर जगह डॉक्टर्स एक चीज़ कहते थे, पैसे वाले लोग एक चीज़ कहते थे, और दूसरी तरफ एक नीचे से एक तबका था लेकिन जिसकी आवाज़ नहीं थी। आपको पता है हमारा जो अभी भी जो तबका जो बड़ी तकलीफ़ में है, ये जो हमारे 3 महीने गुजरे हैं, उनकी आवाज़ नहीं है, लोग उनको सुन नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, उनके पास तो हो सकता है फ़ोन्स ना हो कि अपनी वो बुरे हालात टेलीफोन के ऊपर करके वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई हमारे निचले तबके को। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मैं पीछे देखूँ तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते, लेकिन मैं कारोबार ना रोकता, कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। और उसकी वजह सिंपल ये है कि हमने ये बैलेंस करना था, क्योंकि जो कोरोना है ये भी आपने समझना है, ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी, जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से, 1 लाख लोग, उन्होंने भी फैसला किया है कि अगर, और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी, हालांकि उनके पास, उन्होंने $3,000 अरब खर्च फैसला किया देने के लिए कोरोना के असरात को काउंटर करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, $3,000 अरब, अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है। हम अब तक जिस तरह आपको पता है $8 अरब दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और मदद करें लोगों की, जो जिनको ये नुकसान पहुंचा लॉकडाउन का। तो उस अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का,
क्योंकि सब इस नतीजे पे आ गए हैं कि ये वायरस तो जाने नहीं लगी, और जब भी हम अगर लोगों को आप बंद भी कर दें, जब आप खोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से फैल जाएगी, क्योंकि वायरस तो उधर की उधर है। और कई जगह हुआ, साउथ कोरिया में फिर से फैल गई जो पहले बंद हो गई थी, फिर सिंगापुर में उन्होंने बंद किया, रोकी, फिर थोड़ी फैल गई। तो जो आज आपको मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि देखें, वायरस ने फैलना है, वायरस फैलेगी। ये जो हमारे अमवात बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। हमने अब क्या करना है? देखें, अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी, हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। अगर लोगों ने यह समझा कि जी लॉकडाउन खुला है तो वैसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू हो जाओ जो लॉकडाउन से पहले थी, हम अपना नुकसान करेंगे। हम नुकसान कैसे करेंगे कि हम अगर हमें बंद करने पड़े मसलन मखसूस इलाके जिधर तेज़ी से फैल रही है, तो उधर कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोगों को नुकसान होगा। इसलिए मैं आप सबसे आज दरख्वास्त करता हूँ कि हम ये जो SOPs दे रहे हैं, आज जो हमने फैसला किया है निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए हैं, लेकिन जो जो हम समझते हैं कि जिधर ख़तरा ज़्यादा, वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने शाम को सारे वो दे दी जाएगी आपको, वो लिस्ट कौन सी है, जिसमें जो टूरिज़म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। क्योंकि हमारे ख्याल में टूरिज़म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज़म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज़म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर, जो एरियाज हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नमेंट से फैसला किया, आपस में मिलकर SOPs तय करेंगे ताकि वो टूरिज़म को भी इजाज़त दें। तो मेरी आपसे सबसे इल्तिजा है, अपील है कि देखें, आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें एक ज़िम्मेदार कौम बनना पड़ेगा अगर हमने गुर्बत भी लोगों को गुर्बत से बचाना है, और दूसरी तरफ इसका स्लो डाउन करना है। ये जो वबा फैल रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता फैले, अगर आहिस्ता फैलेगी तो हमारे अस्पतालों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और वो प्रेशर नहीं पड़ेगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि ये पीक करके नीचे जाना शुरू हो जाएगी और हमारा माशरा भी इसके बुरे असरात से बच जाएगा। मैं आपको सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ हिंदुस्तान का। जिस तरह मैं आपको कह रहा था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि हमें, क्योंकि अपने गरीब तबके का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें उस तरह का लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए जो कि यूरोप और चाइना और अमेरिका के कई इलाकों में लगा है। अब हिंदुस्तान में देखें, उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया, आज उसके असरात देखें कि जो बेचारे उनके गरीब मजदूरों पे जो शहरों में काम करते थे, एकदम लॉकडाउन कर दिया, वो बेचारे पैदल कितने मील चल रहे हैं, उसमें कितने लोग बेचारे मरे, कोई थक के ट्रेन की पटड़ी पर सोए, वहाँ वो जो लोग मरे, जो उससे गुर्बत फैली है, और उसके बावजूद फिर भी कोरोना वायरस फैल रही है, फिर भी आज मुंबई के अंदर उनके अस्पताल भर गए हैं, हमारे से ज़्यादा वहाँ लोग मर गए हैं, यानी वो फैल रही है, और वो मजबूर हो गए हिंदुस्तान कि वो भी अपना लॉकडाउन खोलें, क्योंकि वो भी बर्दाश्त नहीं, उन्होंने वहाँ सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि लॉकडाउन के जो असरात हैं उससे जो गुर्बत फैल रही है, जो उनकी बिजनेस है, जो उनकी माशियत, जो आगे इसके असरात हैं, तो ये कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब जो मैं दूसरी जिस बात के ऊपर आना चाहता हूँ वो ये, और मैं ये आपको फिर से कह दूँ कि SOPs यानी कि जिन शरायत के ऊपर हम चीज़ें खोलेंगे, अपने मुल्क की खातर, अपने गरीब लोगों की खातर, आप उसके ऊपर ज़रूर अमल करें। हमारे इस वक्त दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तरफ पैसे वाले लोग हैं वो अमल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं वो लोग अमल भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो बिल्कुल उसका मुख्तलिफ रवैया है।
तो मैंने अपने ये जो हमने ये जो रज़ाकार जो हमने टाइगर्स की पूरी फोर्स बनाई है 10 लाख की, मैं आज आपको आपको कह रहा हूँ और इंशाल्लाह आपके पास हम पूरे एक प्रोग्राम भी लेके आएंगे कि कैसे आपने लोगों के अंदर ये जाना है और उनको शऊर देना है कि किस तरह अब हमने गुजारा करना है इसके साथ। हम बंद नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन हम कैसे इसका अगर इसके साथ रहना है तो हमने गुजारा कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम वॉलंटियर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रही है, हमारी पुलिस कर रही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और पुलिस पे भी। और ये साल तो हमें जिस तरह सारी दुनिया फैसला कर बैठी है कि कम अज़ कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ, तो इस वायरस के साथ जब गुजारा करना है तो SOPs के ऊपर चलेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी वॉलंटियर फोर्स और इसको और भी बड़ा करेंगे कि ये जाके लोगों के अंदर शऊर पैदा करे कि कैसे क्या क्या आपने किन चीज़ों पे अमल करना है और कैसे हम इसका फैलाव रोक सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैं ख़ास तौर पे अपनी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, अपने डॉक्टर्स, अपनी नर्सेज, मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहले दिन से मुझे आपकी फ़िक्र थी। जैसे ही मैं देख रहा था कि जो प्रेशर पड़ा पहले वुहान के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर, जिस तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और फिर हम इटली में ख़ास तौर पे, आज मेरी इटालियन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई तो वो भी मुझे बता रहे थे कि किस तरह का प्रेशर उनके हेल्थ वर्कर्स के ऊपर पड़ा। तो हमें तो तब ही पता चल गया था कि हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़नी है, वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। और मुझे ये भी पता है कि हमारे डॉक्टर्स में ये पूरी वो बड़े उनको जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन को हम कम करने लगे हैं तो उनको एक खदशा होता है, क्योंकि वो समझते हैं उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। तो मैं आपको पहले तो ये कहना चाहता हूँ, हम सबको एहसास है, हम आज भी जो मीटिंग की है हमने, जो NCC की भी मीटिंग और इससे पहले भी हम जो मीटिंग्स करते रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं। हमें पता है आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि आपको ये भी देखना है कि यहाँ इस वक्त हमारा मसला है। हमारे इस वक्त 13 से 15 करोड़ लोग मुतासर हुए हुए हैं इससे, जिनके हालात बुरे हैं। हमने एक दफ़ा तो पैसे दे दिए उनको अभी, और अभी भी और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं देने के कि अपना निचले तबके को पैसा पहुंचे, लेकिन हुकूमत के पास इतने हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहें, कितने पैसे और देते रहें। और दूसरी चीज़ मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है यानी जो हमने पैसा इकट्ठा करना है जिससे मुल्क चलाना है, वो 30% कम हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, हमें आगे खर्चा कि हमारी जो रिमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना खर्चा बर्दाश्त करते हैं वो कम हो गई हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात हैं वो रुक गई है जो इन्वेस्टमेंट थी। तो इसलिए एक तरफ मुल्क का माशी हालात पहले ही अच्छे नहीं थे, इससे और ज़्यादा मुतासर है, दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। तो इसके बीच में हमने ये बड़ा मुश्किल रास्ता है जो हमने लिया हुआ है। तो मुझे पता है, मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप सब का हमें एहसास है, गवर्नमेंट का है, सब फिक्र करते हैं आपकी, आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप ना समझें कि हम ये लॉकडाउन खोल रहे हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं कि आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं आपसे इंशाल्लाह मीटिंग्स भी, मैंने फैसला किया डॉक्टर्स की एसोसिएशन से मीटिंग भी करूँगा, क्या कैसे मज़ीद हम आपकी और मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए हम किन हालात का सामना कर रहे हैं। और फिर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है वो है हमारे मज़दूर जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में भी फंसे हुए हैं, हमें पता है इटली में भी हैं, जो यहाँ मेहनत कश जाते हैं काम करने पे। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, इनकी रिमिटेंसेस के ऊपर हमारा मुल्क चलता है।
आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग में हम सोचते हैं कि आपको हम कैसे वापस लेके आए, रास्ते में क्या रुकावट आई हुई है। वो रुकावट ये है कि जो शुरू में हमारे पास केसेस आए वो सब बाहर से केसेस आए, बल्कि 80% 90% बाहर से केसेस आए। क्योंकि बाहर से केसेस आए तो यहाँ ये हो गया कि जो भी बाहर से लोग आए उनको हम चेक करके स्क्रीन करके तो आने दें। तो अब जाहिर है कि इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि हम कितने लोगों को स्क्रीन कर सकते थे, तो इसलिए कम कर दिए लोग, ज़्यादातर लोग बाहर फंस गए। अब हम सारा वक्त सोचते रहे और सूबों को ख़ास तौर पर खदशा था क्योंकि बाहर से सारी वायरस बाहर से आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते जब तक उनको टेस्ट ना कर सके। अब हमने एक और फैसला किया है क्योंकि हमें एहसास है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हमारे और ख़ास तौर पर हमारे मज़दूर वहाँ फंसे हुए हैं बाहर, तो इसलिए हमने यहाँ फैसला किया है कि हम अब उनको आने देंगे, सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पर जाने देंगे, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ये हमारा फैसला है अब, और इसकी वजह से ज़्यादा और अब हम लोगों को पाकिस्तान ला सकेंगे। तो ये खुशखबरी ये है कि आज हमने ये फैसला किया कि ज़्यादा जो हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, और वो मुझे हम सबको एहसास है, वो जो वहाँ इस वक्त दुबई में और सऊदी अरब में हमें ख़ास तौर पर फंसे हुए हैं, बाकी मिडल ईस्ट में, तो मुझे खुशी ये है कि अब हम आपको ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान लाएँगे। तो आज ही हमने ये फैसला किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान ज़्यादा फ्लाइट्स हो जाएंगी आपको मुल्क में वापस लाने के लिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने कल फिर NCOC के बाद असद उमर आपके सामने अपनी टीम के साथ पूरी और तफसील बयान करेंगे जो हमारे फैसले हुए हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको इस चीज़ से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि इसने वायरस ने बढ़ना है और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आगे हम कैसे इसके साथ गुजारा करेंगे उसमें आप सबके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि जितनी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे, जितना आप एहतियात करेंगे, और ये मैं कह दूँ जिन लोगों को आपने क्यों ख़तरा किनको है, जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो बूढ़े हैं, ये इसको हमारी सब की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की हम हिफाजत करें। हम इनकी हिफाजत तब करेंगे अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे। अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह हमारे अस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। अभी भी हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमने एक आपके सामने वो पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हर रोज़ हम पब्लिक को बताएंगे कि हर शहर में किस अस्पताल में किधर वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, किस अस्पताल में अब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है यानी भर चुके हैं, जिधर अवेलेबल है, ताकि पब्लिक को पता चल जाएगा, कोई भी जिसको भी इंटेंसिव केयर की और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी उनको पता होगा कि हर शहर में किस अस्पताल में वो हैं। तो अभी भी हमारे जो 50% से ज़्यादा हर शहर के अंदर अवेलेबल हैं वेंटिलेटर्स, बल्कि कई और भी उससे ज़्यादा हैं, कई जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। ये हर रोज़ हम आपको आगाह करेंगे कि किधर ये अवेलेबल है और किधर नहीं, और साथ साथ हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है से कि ये SOPs, ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पर प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े, और उसकी वजह से इंशाल्लाह हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान पाइंदाबाद।